आपका हार्दिक स्वागत है। शुरू करते हैं पहला प्रश्न। प्राचीन इतिहास में अशोक के शिलालेख चल रहा है, शिलालेखों की संख्या 14 है, 1 2 1 चार हो गए, ठीक। सिटी वाले साथ से दो कोड हो जाएगा, चार आ गए, मात्र एक का एक कोड हो जाएगा, 14 हो गए, ठीक। अशोक के शिलालेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में प्राप्त की। 1837 देखे कहाँ से आ रहा है, मात्रा एक कोट का 8 कोट हो गया, ला 3 कोट सा मात्रा 7 कोट हो गया, 1837 आ गया। प्रिंसेप में देखे पा से पढ़ने में सा से सबसे पहले, पा से पहली, सब में देखे एक एक अक्षर प्रिंसेप का आ रहा है। अशोक के 14 अभिलेखों का वर्णन है। पहला अभिलेख में पशु बलि की निंदा की गई है, तो पा देखे पशु बलि में पा लिखा हुआ, ला भी लिखा है, मात्रा भी है, ठीक। तो पशु बलि लिखा हुआ मतलब पहला हो गया हमारा। दूसरा अभिलेख में देखे मनुष्य पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का वर्णन है। दूसरे में क्या मिल रहा है, सिटी वाला सा देखे बना दिए है, सिटी वाला सा सादा सा होता है लेकिन सिटी वाला का ट्रिक से कर दिया। छोटा की मात्रा भी देखिए दोनों में है, ठीक। तीसरा अभिलेख में राजकीय अधिकारियों को धार्मिक उपदेश दिया गया है कि वे 5वें वर्ष बाद दौरे पर जाएं। तीसरा में देखे बढ़ा रहा है, राजकीय में देखे बढ़ा रहा हो गया, जब 5 कोट हो गया 5वें वर्ष हो गया, ठीक, 5वें वर्ष बाद दौरे पर जाएं। चौथा अभिलेख में धम्म घोष की घोषणा की गई, 4 लिखा हुआ, 4 मग कोड हो गया, सिटी वाला सा 4 कोड हो गया, सिटी वाला सा 4 हो गया। अब ओ की मात्रा सब में देखे लगा हुआ, ओ की मात्रा भी है, ये चौथा अभिलेख हो गया। पांचवा अभिलेख में धर्म महापात्र की नियुक्ति की जानकारी मिलती है, 5 यहाँ लिखा है, पात्र यहाँ लिखा हुआ, तो 5 पात्र समझेंगे। छठवा अभिलेख में आत्म नियंत्रण की शिक्षा दी गई, शिक्षा में देखे 6 लिखा है, ये छठवा है, 6 हो गया, ठीक। सातवां और आठवां अभिलेख में अशोक के तीर्थ यात्रियों का वर्णन मिलता है, 7 देखिए सिटी वाला सा आता देखे लिखा, सिटी वाला सा होता होंगे, तीर्थ में का हो गया, अशोक में देखे का जो है 8 कोट हो गया, ठीक। तो अशोक के तीर्थ यात्रियों का वर्णन किसमें है, 7वें में, सिटी वाला सा होता लिखा है, 7 हो गए, अब का से 8 कोट हो गया, सिंपल। नवा अभिलेख में सच्ची भेंट व शिष्टाचार का उल्लेख है, शिष्टाचार लिखा है तो नवाचार समझेंगे, ठीक। दसवां अभिलेख में राजा उच्च अधिकारी प्रजा के हित में सोचे, जहां हमारा 5 कोट यहाँ हो गया, प्रजा में देखे 5 कोट, 5 5 10। ग्यारहवां अभिलेख में धम्म की व्याख्या की गई है, बड़ा या यहाँ है, ग्यारहवां में बड़ा या यहाँ है, बड़ा या यहाँ है व्याख्या में देखे, दिया या दोनों में बड़ा या, ठीक, बड़ा या रहे समझिए ग्यारहवां। बारहवां अभिलेख में स्त्री और औरत महापात्रों की नियुक्ति और विचारों के सम्मान की बात कही गई है, ठीक। स्त्री में देखे सिटी वाला सा से 2 कोट होते, मात्र 1 कोट, 12 आ गया, औरत में देखे मात्र 1 कोट, 2 कोट, विचारों में देखे मात्र 1 कोट, 2 कोट, 12 ही आ गया। तेरहवां अभिलेख में कलिंग युद्ध अशोक के हृदय परिवर्तन व पड़ोसी राजाओं का वर्णन है, मात्रा 1 कोट लग ला 3 कोट, 13 आ गया, अशोक में देखे मात्र 3 कोट, मात्रा 1 कोट, राजाओं में देखे मात्रा 3 कोट, छोटा से 3 कोट, मात्रा 1 कोट, 31 का क्रॉस सेक्शन करेंगे 13 आ जाएगा, क्योंकि 14 अभिलेख है ना। 14वां अभिलेख में जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए कहा गया है, धार्मिक देखे मात्रा 1 कोट, मास 4 कोट, 14 आ गया। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कितना है, 7 है, आधा सा आधा सा लिखा हुआ समझिए, पूरा सा है, आधा लिखा 7, ओके। दोस्तों लाइक शेयर करते रहिए, अभी अशोक के शिलालेख का वर्णन हो रहा है।